तुम्हें खेत घुमाते हैं। चलो तुम्हें खेत घुमाते हैं, क्या रखा है पहाड़ों में, बहुत हुआ काम, चलो पहाड़ों में। अभी हम कोई शिव नाम के होटल में रुके हुए हैं, जहाँ पर हम खाने के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पर फिर भी लोग सागर का खाना खा रहे हैं। उत्तराखंड जाके हमें मिलेंगे बाबा भोला। हमारे पास खाने में है पूरी और छोला। पूरा मैंने 360 डिग्री घुमा लिया और यहाँ पे थोड़ा सा खाने का वेट। मैं ये पूरी सेलिंग खा रही क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। एक तो धूप है, ऊपर से हम कार में जा रहे हैं, ऊपर से मैं पीछे वाली सीट पे बैठी हूँ और ऊपर से मेरे को गैस प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा पूरी को अवॉइड कर रही हूँ। अब हमारा खाना शुरू हो चुका है। नान, तंदूरी रोटी, ये है तंदूरी रोटी और साथ में दाल, पूरा एकदम बटर लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो। तो ये भी मुझे दिखने में बहुत हैवी सा लग रहा है क्योंकि यार इतनी गर्मी में हम जा रहे हैं, फिर भी पेट पूजा करना जरूरी है। तो खाना स्टार्ट कर, तो अब मैं छाछ पी रही हूँ। बस 30 किलोमीटर दूर है हम लोग और हरिद्वार में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। वहाँ पर गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे और पवित्र हो जाएंगे। बहुत ही ठंडा वहाँ का पानी है और जिसने वहाँ पर लगाई है डुबकी उसे लाभ ही हुआ है, कभी नहीं हुआ हानि है। अब पीछे हम हैंडओवर करना चाहते हैं हमारे और साथी, वो आपको बताएंगे। तो अभी हम देवभूमि उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं और 30 मीटर का रास्ता बच रहा है। 30 किलोमीटर हरिद्वार में जाके आप डुबकी लगाएंगे। और अब हो चुके हैं 5 बज चुके हैं और अब सनसेट का भी टाइम होने वाला है। हम पहुंचे हैं अभी हरिद्वार में और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का सबसे बेस्ट 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 वाला सीन। वेट, टन टना अभी सनसेट होने वाला, तो ये और भी अच्छा लग रहा है। गंगा
अब हमारी भी अब यहाँ पे हमने भी स्नान कर लिया है, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मैं आपको बता दूँ जो लड़कियाँ हैं उनके लिए उस जगह है उसके अंदर में चेंजिंग रूम बना हुआ है जहाँ पर आप कपड़े चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे डुबकी मारने के लिए भी चेन लगा है तो आप सेफली यहाँ पर डुबकी भी मार सकते हैं बहुत इजीली। और कोशिश करना कि अगर आप थोड़ा सनसेट के टाइम में आएंगे तो सनसेट के टाइम में ये जगह बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगती है और इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है ना कि बस मन करता है कि यहीं पर ही बैठे रहे। और आप मेरे पीछे भी देख ही सकते हैं कि वहाँ पर शिवजी भगवान की बहुत बड़ी आकृति बनी हुई है जो हरिद्वार का मतलब बता देता है कि हाँ कि आप हरिद्वार में आ चुके हैं। आरती खत्म हो चुकी है और लाइट्स वगैरह भी जल चुकी है और हम यहाँ से अब निकलने वाले हैं, और यहाँ पे फिर धाराएं भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई है